डू मैथमेटिक्स जी में मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज आपको एक नई अपडेट खबर के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है इसके लिए जो इस समय 9th और 10th में है, जो इस साल 9वीं और 10वीं का परीक्षा देने वाले एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। जैसा आप जानते हैं कि ये समय जो है वो कोरोना काल का चल रहा है और जिसके कारण से विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और उनकी जो स्टडी है वह सही ढंग से नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन स्टडी हो रही है लेकिन सही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे 10वीं और 9वीं के बच्चों के लिए एक और राहत की खबर लाई है। वो राहत की खबर क्या है इसको हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक जो इस मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह की सारी अपडेट खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकॉन में ऑल को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए जानते हैं क्या है खुशखबरी। तो जैसा आप जानते हैं कि जुलाई में ही आपको बता दिया गया था कि इस साल सिलेबस 25% क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि विद्यालय इतने और लंबे समय तक बंद रहेगा। तो जिसके चलते हुए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, एक और बड़ा फैसला लिया है कि उस सिलेबस को क्या किया जाए, और भी कम किया जाए, जिससे 10वीं के बच्चों को वैसे बोर्ड जो आपको बर्डन है वो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। सिर्फ 10वीं के लिए नहीं, 9वीं के बच्चों के लिए भी क्या किया गया है, आपको कम किया जा रहा है। तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि गणित का जो सिलेबस है, जैसे आप जानते हैं सब बच्चे जो जिससे डरते हैं वो है गणित, और गणित के सिलेबस को क्या किया गया है, और भी कम कर दिया गया है। यही आपके लिए खुशखबरी है, चाहे वो 9th का बच्चा हो चाहे वो 10th का बच्चा हो, दोनों क्लास के लिए क्या किया गया है, सिलेबस को कम कर दिया गया है। और वो सिलेबस में से क्या हटा दिया गया है, क्योंकि 25% क्या हटाया गया वो आपको पहले बताया जा चुका है, और भी क्या हटाया गया है उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आपको पहले बता दिया जाए 10वीं क्लास का जो एलजेब्रा है, यानी कि जिसे कहा जाता है गणित भाग एक, उस गणित के भाग एक में से जो दो कठिन चैप्टर थे उसको क्या किया गया, हटा दिया गया है। जिसमें आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आर्थिक नियोजन, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 आर्थिक नियोजन, इस चैप्टर को इस बार के सिलेबस से पूर्णतः हटा दिया गया, कंप्लीटली क्या कर दिया है, सिलेबस से बाहर कर दिया है। यानी कि चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एलजेब्रा यानी गणित भाग एक की बात कर रहा हूं। और इसी चैप्टर में से इसी भाग एक में से आपको चैप्टर नंबर 6 को भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है, जिसका नाम है सांख्यिकी। आपने देखा होगा उस सांख्यिकी चैप्टर को भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है। यानी कि दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब आपको एलजेब्रा में सिर्फ पढ़ना है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, यही चार चैप्टर्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इन चार चैप्टर्स में से भी बहुत सारे कुछ कम किए गए हैं जो आपको जुलाई में बताए गए हैं। यानी कि इन चार चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप एलजेब्रा में बहुत ही अच्छा स्कोर इस बार कर सकते हैं। अब आते हैं ज्योमेट्री में क्या हुआ है, ज्योमेट्री में भी बहुत कुछ कम कर दिया गया है। आपको जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है महत्वमापन, लास्ट चैप्टर नंबर 7 गणित भाग 2 में, चैप्टर नंबर 7 जो है महत्वमापन जिसको मैच्यूरेशन कहा जाता है, उस चैप्टर को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। यानी कि चैप्टर नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं जिसमें आपको त्रिकोणमिति, इस चीज से भी बहुत बच्चों को डर लगता है, तो इस त्रिकोणमिति में से पूरा तो नहीं हटाया, पूरा तो नहीं हटाया, कंप्लीटली नहीं किया है, लेकिन 6.2 पूरा तो क्या किया गया, हटा दिया गया। अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर 132 पे जो नीचे है आओ जाने, वहां से लेकर के आपको पूरा 6.2 यानी कि 138 पेज तक, 137 पेज तक क्या किया गया, हटा दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6.1 आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन 6.2 को पूरा या आपको उस पर आधारित जो शाब्दिक प्रश्न है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति में शाब्दिक प्रश्नों को हटा दिया गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपने उन्नत कोण औन्नत कोण ये सब के बारे में है वो चीजों को क्या किया गया, हटा दिया गया है। उसी प्रकार से प्रसंग 6 में से भी
यानी प्रकरण प्रसंग लक्ष्य में भी जो शाब्दिक प्रश्न है पेज नंबर 139 पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को भी क्या किया गया है, सिलेबस को में से हटा दिया गया है। तो ये और भी गणित में क्या किया गया है, राहत की खबर लाई है, यानी कि एलजेब्रा में 2 चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया गया है, ज्योमेट्री में 7वां चैप्टर को हटाया है, 6वें चैप्टर में से 6.2 को भी क्या किया गया, हटा दिया गया है, और जो सबसे कठिन था 6.1 को ही आपको इसका मतलब सिर्फ उसमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इस तरह यही आपको अपडेट खबर थी जो 10th के एग्जाम से सिलेबस में से क्या किया गया, और भी कम कर दिया गया है, यानी कि अब आपको स्कोर करना इस बार बहुत ही आसान हो गया है। आप थोड़ी सी मेहनत करें, आपका इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो सकता है। और 9th में से क्या कम किया गया है अलजेब्रा और ज्योमेट्री में, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक शेयर कीजिए जिससे सबको इन्फॉर्मेशन